हे दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 18th of May 2024 एंड आई एम योर होस्ट आशीष। पिछले हफ्ते यानी ये जो 13th to 17th मई का जो हफ्ता गया था, वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इवेंट था वो था आपका 15th of November का US CPI डेटा। US CPI डेटा के बाद प्राइस एक्शंस कैसे दिए। पहला बात है कि US CPI डेटा क्या है, क्या डेटा आया, क्या नंबर आया, हर किसी को पता। वो डेटा के बाद प्राइस कैसे दिए, यानी आप अगर देखोगे वीकली में डॉलर इंडेक्स जो क्लोज दिया है वो है आपका 104.50 लेवल पे आफ्टर मेकिंग एन इंट्रा वीक लो ऑफ 104.08। यानी वेंसडे को जो भी नंबर आया US CPI डेटा, उसके बाद डॉलर इंडेक्स में सॉफ्टनेस देखा गया। अभी पिछले हफ्ते का जो एनालिसिस था, वीकली एनालिसिस करेंसी में, हमने ये डिसाइड किया था कि मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे टिल US डेटा इज कमिंग, डॉलर इंडेक्स ये हफ्ते का रेंज यानी 6 मई टू 10 मई का जो रेंज है उसके रेंज के अंदर में ही जाएगा रहेगा। एंड डेटा के बाद क्या ये हाई को तोड़ता है या लो को तोड़ता है। अगर हाई को तोड़ेगा तो अपवर्ड डायरेक्शंस में फिर रिसेंट हुए हाईस को टेस्ट करने का प्रयास करेगा। अगर लो को तोड़ता है तो आपका 104 के तरफ आने का प्रयास करेगा, 104 एंड सब्सिक्वेंटली टुवर्ड्स 102.80 की तरफ। US CPI डेटा के बाद डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट हुआ एंड नीचे 104.08 तक आया एंड क्लोज दिया 104.50 लेवल। अभी व्हाट नेक्स्ट, यानी मंडे ऑनवर्ड्स आपका 20th of May से आपका 24th of May तक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 20th मई ड्यू टू इलेक्शन इन मुंबई आपका मार्केट विल बी क्लोज्ड, लेकिन ग्लोबल मार्केट इज ओपन। सो मंडे ऑनवर्ड्स हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है, इस प्राइस एक्शन में भी हो सकता है। तो हमारा जो पहला टारगेट हो सकता है वो है आपका 102.707 के तरफ एंड उसके नीचे भी चले जाते हैं, यानी 102.40 के नीचे अगर सस्टेन करते हैं देन ये जो सपोर्ट लेवल है वो है आपका 101 से 101.40 के तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। अभी GBP डॉलर, GBP डॉलर में भी हमारा जो लास्ट वीकली एनालिसिस था वहां पर भी सेम एनालिसिस था कि मंडे ट्यूसडे एंड टिल वेंसडे का US CPI डेटा आने तक GBP डॉलर ये जो प्रीवियस वीक का जो रेंज है उसी रेंज के अंदर में रहना चाहिए। वही हुआ एंड आफ्टर द US CPI डेटा ये हायर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, ट्रेडेड हाई ऑफ 1.2711 एंड क्लोज देयर एट 1.2699। यानी यहाँ पर भी एक बुलिशनेस देखा गया। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अभी क्या हो गया, यहाँ पे दो दो सपोर्ट लेवल एंड दो दो रेजिस्टेंस लेवल हमें मिल सकता है। एक सपोर्ट लेवल हमारा जो हो सकता है ये है आपका 1.85 से 1.2370 का एक वीकली पर्सपेक्टिव में सपोर्ट लेवल एंड उसके बाद जो होगा 1.2050 से 1.2130 का सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट। ये हो गया ब्रॉडर रेंज, ये हो गया नीचे की तरफ सपोर्ट के लिए। अगर अभी हम देखेंगे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है 1.2850 से 1.2890 की तरफ एज द फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल एंड उसको भी अगर तोड़ देते हैं तो हमारा 1.3080 से 1.3120 के बीच में सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है। सो प्राइस एक्शन जो वीकली क्लोज दिया है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ वीकली क्लोज दिया है, दैट बीइंग द केस बाय डिप्स मे बी कंसीडर्ड। जहाँ पे हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इज दिस वन दैट इज 1.2850 के तरफ एंड सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 1.3130 के तरफ होने का हायर प्रोबेबिलिटी।
same. GBP INR similar line of analysis था after US CPI data. ये पिछले हफ्ते का जो हाई है उसके तुरंत ऊपर की तरफ क्या जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 105.7080 वहीं पे जाके क्लोज किया. ये तो हो गया काम. अभी आते हैं व्हाट नेक्स्ट. व्हाट नेक्स्ट के लिए हमें देखना पड़ेगा कि पहले का जो एक रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस जो हो सकता है वो है आपका 106.70 से 90 की तरफ एंड सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ये हो सकता है कि आपका 107.50 से 107.90 की तरफ सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है. एंड सपोर्ट के लिए हमारा जो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट हो सकता है ये वाला जो एग्जिस्टिंग सपोर्ट लेवल है यही होगा. दिस वन लेवल दैट इज योर 104 से 104.3040 का एंड सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट हो सकता है हमारा ये वाला लेवल 102.70 से 103.20 के बीच में. ये दो लेवल के बीच में वीकली कैंडल जो क्लोज दिया है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ यानी आपका 4 आवर्ली पे अगर एक नेगेटिव कैंडल मिलते हैं उसके बाद उस नेगेटिव कैंडल को तोड़ते हैं तो हमारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. दिस इंस्ट्रूमेंट यूरो डॉलर सेम लेवल ऑफ एनालिसिस. जैसे ही यूएसपीए डेटा के बाद प्रीवियस वीक का हाई को तोड़ा ये ऊपर की तरफ फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 1.0880 के आसपास सेकंड लेवल यहां पे था 1.0950 जो गया नहीं. तो वीकली जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है. दैट बीइंग द केस आने वाले दिनों में ये 1.0950 से 1.0990 की तरफ इस टेस्ट करने का हायर प्रोबेबिलिटी से प्राइस सेक्शन के साथ आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो. एंड स्टॉप लॉसेस शुड बी स्ट्रेट. स्टॉप लॉसेस फर्स्ट सपोर्ट जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया था वही है आपका 1.07 का है एंड सेकंड सपोर्ट हो सकता है वही आपका 1.06 से 1.062. ये हो गया यूरो डॉलर. नेक्स्ट इज यूरो आईएमएफ सेम एनालिसिस. ये एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोज दिया हालांकि हायर लेवल पे प्राइस रिजेक्शन थोड़ा सा देखा गया है. इसका मेन रीजन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था जहाँ पे ये रेस्पेक्ट किया. अभी इस रेजिस्टेंस जोन को अगर तोड़ता है ऊपर की तरफ देन ये जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस वो 92.50 की तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटी हो सकता है. सो हमें बाई डिप्स के लिए तैयारी कर सकते हैं. ओनली वन कंसर्न इज योर वीकली RSI 60 approaching 60 में जब तक ये हमारा प्रीवियस वीक का एनालिसिस था जब तक ये सिक्स्थ में वाला वीक का लो को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करते हैं एंड 2-4 घंटे के लिए सस्टेन नहीं करते हैं तो डाउनवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. रदर ये बीच में ही 150 के तरफ ही एक नैरो रेंज में रहना रहने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकता है एंड वैसा ही नहीं. अभी व्हाट नेक्स्ट. व्हाट नेक्स्ट से पहले हम देखेंगे ये कैंडल क्या बता रहा है. इट्स ए प्योर परफेक्ट डोजी कैंडल. अभी ये डोजी कैंडल शोज इंडिसीजन यानी ऊपर में अगर ब्रेकआउट करते हैं तो 160-160.50 का रेजिस्टेंस मिल सकता है. नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो रिसेंट जो स्विंग लो है क्या है वो 151.85 से 152.00 इसके तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकता है. अगर ये 151.70 से 152 का प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल था नाउ इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल इसको नीचे की तरफ जब तक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज नहीं देते हैं तब तक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलने का थोड़ा डिफिकल्टीज है. और वो पॉसिबिलिटीज नीचे की तरफ क्लोज डाउन तभी हो सकते हैं जब बीओजे कुछ बैंड बाजा भारत के साथ कुछ डिसीशन ले लें स्ट्रॉन्ग. Yen INR similarly एक छोटा
कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है, डोजी कैंडल। एक्चुअली ये जो कैंडल बनाया हुआ है इसका हाई इज वेरी क्रूशियल, यानी इसके हाई के ऊपर अगर नेक्स्ट वीक में 1-2 घंटे के लिए सस्टेन करते हैं तो एक अपवर्ड बायस दे सकते हैं। तो आपको अगर ये लाइनर में बाई करके खेलना है तो इसके हाई के ऊपर 1-2 घंटा, 1-2-3 घंटा अगर सस्टेन कर जाता है, टच एंड गो करके फिर दोबारा नीचे नहीं आना चाहिए, अगर वैसा बिहेव करता है तो एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी में यहाँ पे एक सपोर्ट है 130, 1.36, 1.36, 2.0 का एंड ऊपर की तरफ 1.38, 1.32, 2.0 का रेजिस्टेंस इस जोन के अंदर में पिछले 5 हफ्ते से कंसोलिडेट अगर नीचे की तरफ आना है तो ये जो 1.36, 1.36, 2.0 का सपोर्ट लेवल है इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। इन सच केस स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन एंड फॉलोड बाय फॉलो देन एंड ओनली देन डॉलर कैंडी में एक डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह एक भयंकर अच्छा खासा, भयंकर नहीं, एक अच्छा खासा क्लोज दिया है। क्लोज कहाँ पे दिया है? ये दिया है प्रीवियस जो रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर रेंज था के बाहर जाके क्लोज दिया है। इसको हम एक डेली चार्ट में चार्ट को ओपन। अभी ये जो थर्सडे का रेड कैंडल बनाया इसके हाई के ऊपर एक बढ़िया सा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है फॉर एन अपवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स 0.6850 से 0.6900 के तक। एक एक्सेप्शन यहाँ पे एक ब्रेक डाउन किया है ऊपर के, ब्रेक आउट किया है ऊपर के तक। सो अगर ये किसी कारण वर्ष मंडे ट्यूसडे या वेंसडे को दोबारा ये रेड ग्रीन कलर का जो बॉक्स है इसके अंदर में चले आते हैं, इन सच केस इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड। अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड होते हैं तो काफी जल्दी ये 0.6480 की तरफ आने का प्रोबेबिलिटी। सो हमें उस तरफ भी नजर रखना है एंड अलोंग विद बाय डिप्स के लिए फॉर अ टारगेट वर्ड्स 0.6850 से 0.6900। तो अभी मंडे ऑनवर्ड्स हमें देखना है क्या ये थर्सडे का जो रेड कैंडल है उसके हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं 1-2 घंटा, इन सच केस एक बढ़िया सा अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीएनएच 7.2175 में क्लोज दिया हुआ, एक कंसोलिडेशन कर रहे हैं। हमारा जो डेंजर है वो है आपका 7.29, 7 आने वाले हफ्तों में या महीनों में किसी कारणवश अगर सीएनएच 7.29 2950 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं इट्स ए डेंजर एंड अलर्ट फॉर आवर डॉलर रुपी। तब जाके डॉलर रुपी में बहुत जबरदस्त एक प्रेशर आ सकते हैं। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड फ्यूचर में। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर जो क्लोज दिया है 84.10, ये नीचे की तरफ सपोर्ट 82.30 और नहीं पाया, अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं। अभी कंसोलिडेशन क्लियर होना है उसके बाद ही हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है तो ये जो रेड कैंडल है 29 अप्रैल वाला उसके 50% के ऊपर जाके क्लोज देना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके एक अपवर्ड बायस के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ब्रेंट क्रूड में हम सेल ऑप्टिक्स में भी कंसिडर। अभी आते हैं US 10-year treasury में एक रेड कैंडल तो बनाया है लेकिन प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड। ये आफ्टर US CPI डेटा नीचे के तरफ 4.313 तक ट्रेड किया था बट क्लोज्ड एट 4.42। यहाँ पे ये वाला एक ट्रेंड लाइन इसके नीचे क्लोज नहीं दिया है, इसको फर्दर सॉफ्ट होना है। तो ये जो वीकली कैंडल बनाया है उसका जो लो है कौन सा लो है 4.31, इसके लो के नीचे अगर सस्टेन करते हैं 2-5 घंटा तब जाके फर्दर डिप फर्स्ट टुवर्ड्स 4.16 सेकंड टुवर्ड्स 4.02 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं US 2-year treasury में आफ्टर CPI डेटा ये नीचे तो आया था, नीचे आया था आपका 4.704, लेकिन ये जो सपोर्ट लेवल है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इसको तोड़ नहीं, यहाँ पे सपोर्ट लेके एक हैमर कैंडल बनाया हुआ है और वीकली पर्सपेक्टिव हमें अभी ये जो हैमर कैंडल है इसका हाई बिकम्स वेरी क्रूशियल, यानी
यूएस2 या ट्रेजरी को अगर ऊपर जाना है तो ये करंट वीकली कैंडल का हाई 4.90 के ऊपर अगर चले जाते हैं तो फिर दोबारा ये रिसेंट स्विंग हाई जो 5.0405 का था उधर की तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटी होगा। और अंडर व्हाट कंडीशन ये नीचे आएगा अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग, लो क्या है आपका 4.70, इसके लो के नीचे अगर डेली क्लोज दे देते हैं इन सच केस फर्दर सॉफ्टनेस ऑन एक्सपेक्टेड। तो हमारे पास दो सिनेरियो है, लो को तोड़ के अगर डेली क्लोज देते हैं तो फर्दर सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाई को तोड़ के ऊपर अगर क्लोज देते हैं तो हायर साइड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर दोनों नहीं होते तो साइडवेज थोड़ा सा इस रेंज के अंदर में 4.50-4.90 के बीच में थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हैं। ये हो गया ओवरऑल पर्सपेक्टिव। अभी हम आते हैं डॉलर, अभी डॉलर रूपी में आप देखोगे पिछले हफ्ते में हम डर रहे थे, पिछले हफ्ते का जो रूपी का कैंडल था स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था और ये इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल को बार बार चैलेंज कर रहा था। कौन सा रेजिस्टेंस लेवल? आपका 8350 से 8370 का जो रेजिस्टेंस जोन है उसको बार बार चैलेंज कर रहा था। अगर यहाँ पे तीन कंडीशन है, क्या क्या तीन कंडीशन है? एक है इनविजिबल एज जो कंसिस्टेंटली डिफेंड कर रहा है लेवल्स को, दूसरा वाला है CNH जो एज ऑफ नाउ अंडर कंट्रोल है, तीसरा वाला है आपका डॉलर इंडेक्स। तो USCP एडिटर के बाद डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट हुआ है जिसके कारण फ्राइडे को हमने डॉलर रुपए में सॉफ्टनेस देखा एंड वीकली जो क्लोज 83.26 से आया है। अभी 83.20 से 83.25 एक माइनर सपोर्ट लेवल है। अभी जो वीकली में सेलिंग देखा गया हमें देखना है, मंडे हमारा डॉलर रुपए का मार्केट क्लोज है तो ट्यूजडे ऑनवर्ड्स क्या ये 83.20 के नीचे सस्टेन करते हैं? इन सच केस हमारा जो बड़ा सपोर्ट लेवल 82 से 83 वो सपोर्ट लेवल को फिर चैलेंज करने के लिए आएगा। इन केस इनविजिबल हैंड्स आर नॉट लेटिंग डॉलर रुपी टू सस्टेन बिलो 83.20 और 83.20-83.25 में दोबारा बाई इंटरेस्ट शो करते हैं तो फिर दोबारा ये साइडवेज चला जाएगा 83.20-85 ऑन द लोअर साइड एंड 83.45-50 ऑन द हायर साइड। तो डॉलर रुपी में ये रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं विद ऑल द थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। अदर देन दैट जो जून महीने से बॉन्ड इंडेक्स रिलेटेड इनफ्लो हिट होने वाला है, क्या वो ऑलरेडी फ्रंट रनिंग हो चुका है या पार्टली फ्रंट रनिंग हुआ है पार्टली बाकी है या पूरा ही बाकी है वो हमें पता नहीं है। ऑल्सो ये जो इलेक्शन है जो जिसका रिजल्ट 4 जून को आने वाले हैं, 4 जून के बाद क्या डॉलर रुपये एक नया रेंज को दिखेगा? नया रेंज क्या ये 83.80 इस जो ग्रीन कलर का रेंज इसके लो के नीचे सिस्टम करता है एंड इनविजिबल अलाउ करते हैं रुपी टू अप्रिशिएट? ये एक सिनेरियो है। दूसरा वाला सिनेरियो इन केस The current government fails to get majority in such a case, क्या डॉलर रुपी 83.70 के ऊपर सस्टेन करते हैं एंड इनविजिबल हैंड्स आर इलेक्टिंग रुपी टू एप्रिशिएट अबोव 83.70? वो हमें दिस सिनेरियोस को हमें एक्सट्रीम सिनेरियोस को हमें दिमाग में रखना है। अदर देन दैट जब तक इनविजिबल हैंड्स है तो 82.80 से 83.00 ऑन द लोअर साइड एंड 83.50 इतना ही आशा करते हैं ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा।